दर्शकों ने सागन चले ससुराल, दर्शकों ने उनको एज ए विलन एक्सेप्ट नहीं किया और उनको इंडस्ट्री ने भी एज ए विलन काम कभी दिया नहीं, डर के मारे की पता नहीं क्या हो। ये भोजपुरी में पहली बार हुआ है कि 150 फिल्में भोजपुरी में करने के बाद मुझे बच्चे जो देख चेहरा हंसने लगते हैं, एज ए विलन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। और इतने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऑडियंस में कहा कि सर गुंडा का रोल मत किया कीजिए, आप ना बिल्कुल डिफरेंट पाएंगे। और मैं बगैर गेटअप के विलन करता हूँ, मूंछ दाढ़ी थोड़ा सा चेहरा बनाते क्रूर लगे। मैं क्लीन शेप में जो विलन का किरदार मैंने किया, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा यूट्यूब पे, आपको लगेगा कि ये कॉमेडियन कैसे हो सकता बंदा, आपको सारी हरकत नजर आएगी कि इतना क्रोध। अभी आपको दिखाता हूँ मेरे वो रिक्शा वाला बता सा नाम रखल रहा, और तब से भैया सब हमके जो ना गुलुआ मन बतासा चाचा कहलस तो सब हमके बतासा चाचा कहला। अच्छा ये बताइए, पर्दे की दुनिया पर कभी दर्शकों को हंसाना और कुछ ही देर में दर्शकों को रुलाना, ये कला कैसे आपके अंदर आ गई? ये सब थिएटर के देना भैया, रंगमंच 20-22 साल जो हम लोग रंगमंच किए उसी की मेहरबानी है। और फिर क्या है, कुछ प्रारब्ध होता है, सरस्वती माँ का योगदान है, इसमें मेरा कुछ योगदान है नहीं भैया। क्या अभिनय के साथ आप गाना गीत और गाने का भी शौक रखते हैं? थोड़ा बहुत। कोई अच्छी गीत आपके पसंद की हो तो एक लाइन सुना दीजिए दर्शकों को। अच्छा ऐसे एक सुना दे रहे हैं। मन के सवरिया बन गयो तू, चुपके से ई का कहलू तू, नस नस में तू गयलू समाय, नस नस में तू गयलू समाय, डाल देलू परेशानी ने। बहुत सुंदर आप आए हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जैसे आप लोग पर्दे पर हंसाते हैं रुलाते हैं और कभी कभी दर्शकों में ऐसा भयानक रोल करके डरा देते हैं जी, इसके लिए क्या आपने कहीं ट्रेनिंग लिया है? ट्रेनिंग तो नहीं लिया, थिएटर में सीखा है हमने। एक्टिंग जो है, एक्टिंग एकेडमी मेरा सीख करके हम सही प्रोसेस में गए थिएटर में, रंगमंच। तो रंगमंच एक ऐसी विधा है जहां पर ऊपर परिपक्वता देते हैं जो पुख्ता होता है। अच्छा, दर्शकों को कृपया ये बताने का कष्ट करें बतासा जी कि आपकी कौन सी ऐसी फिल्म है जो कॉमेडियन में आपको बहुत अच्छी लगी? पटना से पाकिस्तान और पवन पुरवैया। अच्छा जी, आपने तो भोजपुरी फिल्मों में खलनायक की भी भूमिका निभाई है जी, कोई ऐसी फिल्म बताइए जिसमें बहुत ही अच्छा खलनायक की भूमिका आपकी आई हो? उसमें एक फिल्म है वीर बलवान और एक फिल्म है मेरा वर्दी वाला गुंडा, इसके अलावा बलमुआ तोहरे खातिर, और ऐसी कई फिल्में हैं। जैसे अभी एक फिल्म और है मेरी लिट्टी चोखा जो खेसारी के साथ चल रही है शूटिंग। अच्छा। ये सब इस तरह से बहुत सारी है, ऐसे बहुत सारे मेन विलन किया है लेकिन ये फिल्में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा ये बताइए, एक खलनायक की भूमिका कॉमेडियन की भूमिका दोनों के बीच में आप रोमांटिक रोल कैसे कर लेते हैं? ये तो पता नहीं, वही मैंने आपसे कहा कि सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, इसे मेरा कोई योगदान नहीं है। हाँ मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कभी ये नहीं फील होता कि मैं बड़ा अच्छा है, हमेशा मुझे हर किरदार में कमी नजर आती है। जब लागल रहा, जब निरहुआ रिक्शा वाला हिट हुई और लोग बतासा चाचा कहना शुरू कर दिए, तो मैं बहुत महीनों तक, कई 3-4 साल तक यही सोचता रहा कि ऐसा क्या देखा इन लोगों ने इसमें, मैंने तो कुछ खास किया नहीं था, लेकिन बस आशीर्वाद है लोगों का और कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आप गोरखपुर में आए हुए हैं, किस फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए हैं?
एक फिल्म है, नाम उसका तो थोड़ा मुझे टेढ़ा है, रूप तेरा मस्ताना, हाँ ऐसे कुछ नाम है, और उसमें प्रमोद प्रेमी हीरो हैं और मणि भट्टाचार्य एक बंगाल की हीरोइन है, वो हीरोइन है, अयाज खान है, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण कॉमिक रोल कर रहा हूँ। अच्छा, और अच्छी फिल्म बन रही है। अच्छा ये बताइए, गोरखपुर वासियों के लिए जी आप अपने अनुसार कुछ संदेश कहिए। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की शुरुआत अभिनय की गोरखपुर से हुई। मेरी पहली फिल्म चलत मुसाफिर मोह अली और एक गोरखपुर में शूट हुई, और यहीं से मैंने कैमरा देखा, यहीं से मेरी पहचान बनी, और गोरखपुर में बड़ा मेरा लगाव है। मुझे सबसे हर जगह से ज़्यादा प्यारा जगह मुझे गोरखपुर लगता है, क्योंकि गोरखपुर में अपनापन लगता है। गोरखपुर ऐसे ही, भगवान किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही गोरखपुर रहे। गोरखपुर धीरे धीरे मुंबई से खूबसूरत हो गया है, वहाँ रामगढ़ ताल और क्या क्या नज़र ना लगे गोरखपुर को, यही कहना चाहूँगा। चलिए, गोरक्षनाथ की धरती पे आपका स्वागत है, हम सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं, यह फिल्म आपकी सुपर हिट ही नहीं बल्कि उससे भी आगे जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद। अच्छा टाइगर जी, आप ये बताइए, आप तो इस फिल्मी दुनिया में बहुत पहले से जुड़े हैं और काफी योगदान किए हैं। कुछ ही समय पहले यह घोषणा की गई है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने फिल्म सिटी स्टूडियो, फिल्म सिटी बनाने का प्लान बनाने की घोषणा की है। इससे आप कलाकारों को, आप जैसे कलाकार को क्या महसूस हो रहा है इस घोषणा से, इस फिल्म सिटी से युवाओं को क्या लाभ मिल सकता है, या आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा पहल है ये, बहुत अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश बिहार के कलाकारों को छोड़ दीजिए, मुंबई के कलाकारों को, बॉलीवुड को बहुत फायदा होने वाला है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे पूर्वांचल होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन टेक्निकली देखिए तो वो जहाँ उन्होंने चुना है वो बहुत सही जगह है। पंजाब कवर अप होगा, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, जो आपकी इंडस्ट्री में वहाँ पे कन्वीनियंस है, कन्वेंस प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्लाइट वहाँ पे है, एयरपोर्ट नजदीक में बन रहा है एक, और फिर चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली में तमाम स्टार रहते हैं, बड़े बड़े स्टार रहते हैं, उनका घर मुंबई में भी है, दिल्ली में है, तो इधर यूपी के लोग, उधर दिल्ली के लोग, फिर बॉलीवुड और भोजपुरी का तो पूरा हब हो जाएगा, मजा आ जाएगा, बहुत कमाल संगम हो जाएगा। जी जी,